बाहर बैठ के ये देखना कि किसको क्या समस्या है वो नहीं हो पाता, इसलिए लोगों के बीच में आना पड़ता है। और जो सरकार बीच में आई उन्होंने काम किया भी। मैं इंदौर शहर पिछले 7 सालों से लगातार नंबर बना रहा है, ये भी कोई ऐसे ही थोड़ा ना हुआ है। लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति बहुत उत्तेजित किया जा रहा है। चाय पे चर्चा के लिए आज इंदौर से मैं जय व्यास आपके सामने हाजिर हूँ। इंदौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ 89 से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आया है और कांग्रेस काफ़ी कोशिशों के बाद भी यहाँ पिछले 35 सालों से अपना सांसद नहीं भेज पाई है। देवी अहिल्या की नगरी कही जाने वाली इंदौर स्वच्छता में भी लगातार 7 बार से प्रथम आ रही है, यानी यहाँ के लोग जागरूक हैं और उसके नाते यहाँ के मतदाता भी जागरूक हैं। हमारे साथ कई सारे युवा मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट देश का भविष्य कहा जाता है और भारत सबसे ज़्यादा जवान लोगों का देश है, इसके जरिए इन लोगों का मत जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए आने वाले जो आम चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मतलब चुनाव में मैं किस प्रकार से वोट देना चाहूँगा ऐसा कुछ? प्रथम पॉइंट बोलूँ तो मैं जैसे हमारी जब देश की जो हमारे इंदौर की बात करते हैं, हमारे शहर की जो पहले सड़कें थी आज से पुराने समय में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लाइक हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से 10-12 किलोमीटर भी ट्रैवल करना तो आधा एक घंटा लगता था। अब क्या है, अगर कहीं ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर भी ट्रैवल करना तो 10-15 मिनट लगते हैं। ट्रैवलिंग ईजी हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको बेनिफिट्स भी हमारे शहर में मिले। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा इंदौर शहर पिछले 7 सालों से लगातार नंबर बना रहा है, ये भी कोई ऐसे ही थोड़ा ना हुआ है। पहले भी लोगों साफ़ सफाई करते थे लेकिन जैसे जैसे हमारे जो शहर हमारे जो क्या बोल सकते हैं मेयर बोल सकते हैं या जो भी हमारा प्रशासन था जिसने हमारे देश के हमारे शहर के नागरिकों को जागरूक करा है उन्हीं की मदद से हो पाया है। तो मैं ऐसी सरकार चुनूंगा जिसने हमारे इतनी सारी चीज़ों में हमारे शहर को डेवलप किया है। आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप किस हिसाब मायने रखता है? सर सबसे पहले मैं विकास मायने रखेगा देश का, किस में कितना विकास हुआ है, डिजिटल इंडिया हो गया, रोड वगैरह हो गई, एजुकेशन वगैरह हो गई। पहले लोगों को कुछ केस लेके घूमते थे, आज ऑनलाइन हो गया तो सब फ़ोन से ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र वगैरह कर देते हैं। एजुकेशन में भी जो क्लासेस लोग स्टूडेंट्स अलग अलग शहर जाते थे एजुकेशन लेने के लिए कोचिंग वगैरह, तो आज वीडियो कॉल से ही क्लासेस वगैरह लगने लग जाती है। तो तकनीकी विकास तकनीकी विकास भी काफ़ी मायने रखता है। आप बताइए इस वक्त देश में जो हालात हैं उनको किन हालातों को देख के चुनाव का माहौल चल रहा है और आपके मुताबिक क्या मुद्दे ज्वलंत हैं देश में? जो हमारे यहाँ पे अभी माहौल चल रहा है, जैसे कि अभी जो इलेक्शंस आने वाले उसमें लोगों को चलता रहता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। दोनों साइड के पक्ष रहते हैं, दोनों साइड के पक्ष अपने अपने बारे में बताते हैं, किसी को कोई सही लगता है किसी को कोई सही लगता है, पर हमें इस बार खुद को देख के नहीं, हमें देश को देख के वोट देना है कि जो हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है। जैसे इतने सालों का आप विकास देख ही रहे, राम मंदिर, आप इंदौर की बात ले ले, सड़कें, जैसे कि भैया ने बताया, बाहर बैठ के ये देखना कि किसको क्या समस्या है वो नहीं हो पाता, इसलिए लोगों के बीच में आना पड़ता है। और जो सरकार बीच में आई उन्होंने काम किया भी और आगे चल के भी हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमारे सारे काम हो जाए और आगे चल के भी और डेवलपमेंट हो, हमारी और भी एजुकेशन पॉलिसीज बढ़े, जो भी समस्या आ रही है पब्लिक को दूर करे। अब यूँ कहना है जैसे कि अभी जातिवाद का बहुत चल रहा है, तो अब जो जातिवाद की बात कर रहे हैं कि जातिवाद को दबा रहे, दूसरे कम्युनिटी को दबा रहे, तो दूसरी कम्युनिटी भी यहीं रह रही है और आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी खुशी रह रहे हैं। सब साथ यहीं मिलकर ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। जो बोलने वाले रहते हैं वो गलत बोलते ही है माइनस नेगेटिव पॉइंट दिखाने के लिए। बिल्कुल, आपने जातिगत राजनीति का जिक्र किया, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में जातियों का अलग ही उन्होंने वर्गीकरण किया, उन्होंने महिला, किसान और बेरोजगार इन सबको एक जाति माना है, गरीब, इनका उत्थान को लेकर के बातें की हैं। क्या क्या विचार रखते हैं आप इस बात को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं फर्स्ट टाइम सांसद के लिए वोट दूंगा, तो मैं इन बातों को नज़र में रखूंगा कि जो हमारे राष्ट्र हित में, छात्रों के हित में और सर्वप्रथम जो हमारे धर्म के हित के लिए कार्य करेगा, मैं इसी सरकार को चुनूंगा। और मैं लगातार इतने सालों से यह देखते आया हूं कि इतने सालों में इन सब मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सपोर्ट करा है। उनने छात्रों के हित में भी कार्य करा है, उनने धर्म के हित के लिए भी काम करा है, उनने देश हित के लिए भी काम करा है, तो मेरा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। ठीक है,
आप बताइए, देश का जो चुनाव हो रहा है वो उनमें क्या मुद्दे हैं और इंदौर के क्या मुद्दों को आप ध्यान में रख के वोट करेंगे? जैसा कि देखा जा रहा है अभी बहुत हिंदुत्व को सपोर्ट किया जा रहा है और उसी में ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो उसमें भी लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति बहुत उत्तेजित किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है और उसके बेसिस पे सब लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारे समाज में जो नया जो हम कल्चर पीछे छोड़ के आए थे वो आज वापस आ रहा है और उसमें अपन हम लोग क्या सब बहुत अच्छे से मतलब अपने दिल से और अच्छे से काम कर रहे हैं जो भी हमारा धर्म है उस पर, और हम उसको लेकर के अपना जो पास्ट का कल्चर था वो वापस हम ला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं समाज को और हमारे जो जो भी है जैसे कोई भी समाज रिलीजन होता है उसको सब बढ़ावा दे रहे और सब आगे बढ़ रहे, तो उसको लेकर भी कर रहे हैं। तो देखा सनातन को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी लोग वोट करेंगे, उनके ऐसे विचार हैं और भी लोगों को जानते हैं। आप बताइए देश में क्या मुद्दे ज्वलंत हैं आपकी नज़र में और आप क्या मन में आपके चल रहा होगा जब आप वोट देने जाएंगे? सर मेरे मन में यही चल रहा है सर कि विकास हो गया, जाति धर्म वगैरह ए टू जेड जो भी होता है उन वो सारे काफ़ी सारे मुद्दे होंगे। काफ़ी आज की जनरेशन को देखेंगे तो जो विदेशों में भी अपनी जो रीति रिवाज है अपना धर्म है काफ़ी सारे लोग अपना रहे हैं,